दीवियाँ जलाकर गाने गाए, गेम्स खेले और बहुत मजा किया। लगता है कि बहुत एंजॉय किया तुमने। हाँ, लेकिन अगर आप होती तो और ज्यादा मजा आता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। रात कैसी गुजरी? ड्राइंग मुकम्मल हो गई क्या? नहीं, बस सही रहा। वो क्यों? कल तो तुम बहुत पुरजोश थे, फिर ये अचानक मूड कैसे तब्दील हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस मुझसे ड्रॉ नहीं किया गया। ये लो। तुम इतने क्यों चुप हो? इससे कुछ पूछ क्यों नहीं रही हो? आम तौर पर तो सवालात के अंबार लगा देती हो। नहीं हैरी, मैं क्या कह सकती हूँ भला। चलो माहिरा मेरी जान, जूस खत्म करो। चलो शाबाश। तुम्हारी शाम कैसी गुजरी? अच्छी। मैं तुम्हें बताना भूल गया, जर्मनी से कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए घर पर पार्टी रखने जा रहा हूँ। पार्टी? क्या मैं पार्टी में आ सकती हूँ? तुम्हारे बिना ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जबरदस्त, ये। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जरूर। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है मेरी जान। नाश्ता तो कर लो अच्छी तरह से। दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो सोना? जैसे कि? तुम कल से अजीब बर्ताव कर रही हो। तुमने मुझसे कुछ बात करने के लिए बुलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके बाद माहिरा घर आ गई। आमतौर पर तुम हमारे साथ वक्त गुजारती हो, पर तुम घर जाना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे बाबा बीमार हैं। जरूर जाओ, मैं समझ सकता हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि तुम तहा के साथ कहीं बाहर हो, और ये बात मुझे तहा के मुँह से सुनने को मिलती है। तुम्हारा फोन तुम्हारे पास नहीं था, उसने उठाया, यानी किसी इमरजेंसी की सूरत में मैं तुमसे रब्ता ना कर पाता। क्या मैं किसी बात से लाइल्म हूँ? नहीं तो। हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हमने इस बात पर इत्तफाक किया था। क्या तुम इस बारे में मुझसे कोई बात करना चाहती हो सोना? क्या मशवरा दोगे? मशवरा नहीं दे रहा, पूछ रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि मेरे और ताहा के दरमियान कुछ है? मुझे सोचना चाहिए? नहीं है, हमारे दरमियान कुछ नहीं है, अच्छे दोस्त हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैंने कुछ सख्त कह दिया तो माजरत चाहता हूँ। मेरा ध्यान डिजाइन में लगा हुआ है, मुझे अपना कलेक्शन कम्प्लीट करना है। सोचा था सुबह तक पूरा हो जाएगा मगर नहीं हो सका, बस इसीलिए परेशान हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं माहिरा के पास जाती हूँ। जी कहिए बैरिन साहिबा। जी लोकेशन मिल गई, मैं बस घर से निकल रहा हूँ, देखता हूँ। अरे ये क्या, बैरिन साहिबा ने मुझे कहाँ बुलाया है? जंगल में बुलाया क्या? जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम निजात साहब। वालेकुम अस्सलाम, काम कैसा चल रहा है? ऐसा कुछ खास नहीं निजात साहब, जिस कंपनी का असल सेरेमिक्स आपको चाहिए था वो दरअसल हमें मिल गया है, इस तरह हम मतलूबा नतीजे हासिल कर सकते हैं। हाँ तो? लेकिन एक और मसला है, मैंने उसके बारे में पता करवाया, थोड़ी सी समझ से मसला हल हो सकता है। हम इस नए मटेरियल को देखते हैं, आप आकर देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो हम आपके मुताबिक सब कुछ कर लेंगे। मुझे इन मामलों से दूर रखें, पैसों का कोई मसला नहीं, थोड़ी मेहनत होगी पर ये ओरिजिनल होना चाहिए। फिर हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मुझे आप पे भरोसा है। तो ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं पता करवाता हूँ। ठीक है, अगर आपने कोई बात करनी हो तो मेरा फोन ऑन है। ठीक है निजात साहब। ठीक है, खुदा हाफिज। खुशामदीद। हेलो, कैसी हो सानिया? मैं ठीक हूँ शुक्रिया। आफरीन है शौकत, तुमसे दो दिन आराम से घर पर बैठा नहीं गया ना? ओफो अनीसे, आ गई तुम। तुम्हारी बात मानकर मैं घर तो चला गया था, आखिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता मैं ज्यादा देर घर पर नहीं बैठ सकता हूँ? और जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी उसका क्या? सानिया ये तुम सब लोग साथ मिले हुए हो ना? हाँ देखो, मुझ पर ज्यादा जोर मत डालो, समझ गई तुम? बाबा मैं आपको अकेले कैसे मना सकती हूँ, आप कौन सा मेरी सुनते? इससे क्यों डांट रहे हो शौकत, तुम्हारी ही तो फिक्र कर रही है ये। कल रात सोना भी आपके लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोच लीजिए। एक बात कहूँ बाबा, ये सेहत का मामला है, आप जिद क्यों कर रहे हैं, ये जिंदगी से बढ़कर है क्या? क्यों अपने अल्फाज जाया कर रही हो मेरी बच्ची, तुम्हारे बाप पे किसी बात का असर नहीं होता, इसका बस चले तो हमें पागल कर दे। अच्छा बाबा ठीक है, जाता हूँ डॉक्टर के पास, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं अपने काम में मुदाखलत नहीं चाहूँगा, ठीक है? और इस बात को तुम लोग अच्छी तरह से समझ लो। पहले डॉक्टर के पास तो जाओ, बात की बाद में देखी जाएगी। बिल्कुल सही कहा, आप कम से कम डॉक्टर को तो दिखाए ताकि हमें तो तसल्ली हो। बाबा ताहा तुम इस आदमी के साथ जाओ, जरा डॉक्टर के पास जाने का तो कह दिया है पर पता चले किसी और कैफे में जाकर बैठ गए हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चलिए आ जाइए शौकत अंकल, अब आप मेरी जिम्मेदारी है शौकत अंकल। ठीक है ताहा, चलो चलो ये पकड़ो सानिया, शाबाश। एक मिनट रुको ताहा, जाने से पहले एक यादगार तस्वीर हो जाए। यादगार तस्वीर? हाँ हाँ एक तस्वीर। ठीक है, खुदा हाफिज़। ये एक छोटी सी चीज थी लेकिन हम फैसला कर चुके थे, ये सब क्या हो गया इसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने से इसे क्या मिल रहा है, और ये कैसा कारोबार?
ये तो मुझे पागल कर देगी। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कुछ भी करूं तुम्हें इससे क्या? माहिरा को स्विमिंग के लिए ले जा रही हूँ। हाँ अच्छी बात है, तुम मुझे माहिरा को ले जाने दो। वाकई में? मुझे इसे शॉपिंग पर ले जाने दो ताकि सारे काम मुझे ना करने पड़े। ठीक है, क्या ख्याल है हनी भी, तुम जाओगी हैरी के साथ? सोच रही हूँ। लड़की अपने हद से बढ़ रही हो तुम। ठीक है चलूंगी साथ। क्या हुआ आपको, क्यों इतने गुस्से में हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, चलो आओ मेरे साथ। जी कहिए बैरन साहिबा। हेलो आइलैंड साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया आपका, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बहुत शुक्रिया। क्या निजात साहब आपके साथ हैं? नहीं वो मीटिंग के लिए गए हैं। बैरन साहिबा आज गाड़ी नहीं है मेरे पास, आप पता भेज दें मैं टैक्सी लेकर आ जाती हूँ। टैक्सी की कोई ज़रूरत नहीं है डियर, ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए कार भेज देती हूँ। आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, आ जाऊँगी मैं। जहमत जैसी कोई बात नहीं है। इनकार नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, बस गाड़ी तुम्हें पिक करने आ रही है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है फिर हम मिलते हैं आइलैंड साहिबा, बाय बाय। क्या यही जगह है, आपको पक्का यकीन है? जी यहीं छोड़ने के लिए कहा था। निजात रुके रुके कहाँ जा रहे हैं आप, रुके जरा। हद है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो निजात? यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम यहाँ कैसे? बैरन साहिबा ने बैरन साहिबा की कॉल है। ठीक है बात करो। जी कहिए बैरन साहिबा। आइलैंड साहिबा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। मुझे पता चला आपकी सालगिरह है तो मैंने सोचा आपको सरप्राइज दिया जाए। इसकी जरूरत नहीं थी बैरन साहिबा। प्लीज मेरा तोहफा कबूल करने से इनकार ना करें, इस छोटे से हॉलीडे को मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझें। बिला वजह आपने जहमत की। वहाँ एक छोटी सी विंडमिल है, उसके पास एक की है और वहाँ एक खूबसूरत सी झील भी है। मैंने सोचा निजात साहब वहाँ बैठकर सुकून से आपके साथ खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं। ओ, ओ, आपका बहुत शुक्रिया बैरन साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। कुछ भी ना कहें, सालगिरह बहुत मुबारक हो आपको, अपना वीकेंड एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया जात। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, जगह तो बहुत प्यारी है मगर हम दोनों का अकेले यहाँ पर वक्त गुजारना बेवकूफ़ी होगी, और वैसे भी मेरी सालगिरह नहीं थी आइलैंड की थी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मेरे साथ अकेला होना कितना बुरा लगता है। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो कम अज कम एतराफ़ में देख तो लें। सुना बैरन साहब ने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा, अगर कल कुछ पूछ लिया तो यहाँ के बारे में पता तो होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। ठीक है तुम जाकर देखो, मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। मौसम कितना सुहाना हो रहा है। ये लीजिए आपकी चाय। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। अनीसा आंटी हैरी आ रहा है, हैरी आ रहा है इसी तरफ आ रहा है। अरे रुको रुको, क्यों परेशान हो रही हो? देखा कैसे उस बेचारे का वीक पॉइंट हम दोनों के हाथ लग गया। बस अब तुम देखती जाओ क्या होता है। वो इतना जेलस हो गया कि यहाँ चला आया। अच्छा है ना, अभी तो इसे और जलाना है इंशाल्लाह। मुझे तो हैरी के लिए बहुत अफसोस हो रहा है कि वो यहाँ पे चला आया, बहुत ही अजीब लग रहा है। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक किया हमने। तुम्हें बुरा लगने की जरूरत नहीं है, इन पे तर्स नहीं खाना चाहिए वरना कल को खुद पछताना पड़ जाएगा। देख लो मैं पहले ही खबरदार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताए कि वो अंदर आ गया है? हाँ बैठा है वहीं, इधर ही देख रहा है। देखो तो जरा पागल को। मैं जाऊं? रुको रुको, तुम बहुत मसरूफ हो, मैं देख कर आती हूँ। मैं मसरूफ हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ही मसरूफ हूँ। मैं देख किस काम के लिए? हाँ फोन उठाना है मुझे। मैं हूँ ना। जी फरमाइए। वो मैं सानिया साहिबा का दोस्त हूँ। वाकई में? जी हाँ। पर सानिया थोड़ी मसरूफ है, आप अपना ऑर्डर मुझे दे सकते हैं। तब तक एक चाय ला दीजिए मुझे। चाय चाहिए उसे। ठीक है। हाँ ठीक कहा तुमने बुर्जू। हाँ बिल्कुल। हाँ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा बुर्जू, ऐसा ही समझो। वाह भाई, वैसे अनीसा आंटी का हर बार काम तो कर रहा है सानिया। काश के मैं भी अनीसा आंटी से मदद ले सकती, लेकिन मैं तो इस बात से बेखबर हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ है भी कि नहीं। मदद मांगने के लिए इंसान के पास थोड़ी सी तो उम्मीद होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद होती तो मैं उनसे जरूर मदद मांगती। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है मेरी जान? सारकान साहब को बता देती हूँ। जरूरत नहीं है, सारकान से नहीं तुमसे बात करने आई हूँ मैं। क्या कहा आपने? बिजनेस वुमन हूँ मैं,
मैं बस तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो तुम कर रही हो गलत है वो, क्योंकि आज मैं जिस जगह पर हूँ अपने बलबूते और अपनी मेहनत की वजह से हूँ। अगर तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो तो अपने बॉस से इश्क करने के बजाय मेहनत करने को तरजीह दो बिरजू। मेरी तरफ से ये छोटा सा मशवरा समझो तुम। ये आप क्या कह रही हैं? क्या कह रही हूँ ये अच्छी तरह समझ गई हो तुम। ये क्या हो रहा है मिली? बिरजू बुर्जू, मिली अंदर आओ। क्या हरकत है मिली? मैंने बताया था तुम्हें कि बुर्जू बेकसूर है। तुम दोनों को एक साथ देखा था सरकान। क्योंकि हम गिर गए थे। हर इंसान की एक इज्जत होती है, तुम्हें यहाँ आकर उसको इस तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। गलत किया। कह दो ना, कह दो कि वो घटिया हरकत थी। ये जो कुछ मैंने किया वो सब करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। ठीक है मिली, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब जाओ यहाँ से। निजात, कहाँ गए तुम? आई क्यों नहीं? निजात, कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सुना नहीं मैंने। देखो तो, बैरिन साहब ने सब इंतजाम किया हुआ है। क्या सरप्राइज दिया है, हत्ता के यहाँ तुम्हारे पसंदीदा एप्पल कुकीज भी हैं। उन्होंने तो पूरी तरह से लंच का इंतजाम किया है। सब कुछ कितना प्यारा है, कितनी अच्छी खुशबू है। क्या हुआ, देखकर भूख लग गई? नहीं, भूख तो नहीं लगी मुझे, मगर इतना अच्छा इंतजाम है तो जाया नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, कुछ तो खाना पड़ेगा वरना उन्हें बुरा लगेगा, है ना? वैसे तो सारी डिशेस बहुत प्यारी हैं, मगर ये जो है ना, ये बहुत लजीज होती है। इसे देखकर रहा नहीं जाता मुझसे। तुम्हें जो खाना है खाओ, सब तुम्हारे लिए है। देखो बस एक छोटा सा पीस उठाया है, ज्यादा नहीं। आराम से बैठकर क्यों नहीं खाती, बैठकर खा लो। नहीं, अब हमें जाना चाहिए। क्यों, क्या अभी तुम्हें कहीं और भी जाना है? मैं तुम्हें यहाँ पर बसने या फिर रुकने का तो नहीं कह रहा। देखो मौसम कितना हसीन है, इतना अच्छा खाना और दिलकश मंजर, दुनिया से दूर, सबसे दूर। कोई भी नहीं जानता कि हम इस वक्त कहाँ हैं। तो किसी को नहीं बताओगे तुम? नहीं बताऊंगा मैं। क्या पता तुम इस बारे में हांदे से जिक्र कर दो ऑफिस में। मैं हांदे को क्यों बताऊंगा, ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज था। ठीक है, तुम इतने मजे से खा रही हो, मेरा भी दिल चाह रहा है। तुमने नाश्ता भी नहीं किया था तो जरूरत है तुम्हें। हाँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कुछ खा ही लूँ। अगर तुम्हें भी खाना है तो बैठ जाओ, साथ मिलकर खाते हैं, आ जाओ। ये क्या कर रहे हो, इसे अपने आगे क्यों रख रहे हो? ना बैठने वालों के लिए कोई खाना नहीं, अगर तुम्हें भी खाना है तो पहले मेरे सामने आकर बैठो। अच्छा ठीक है, फिर बैठ जाती हूँ, यानी खाना खाकर चली जाऊंगी यहाँ से। वाकई में बैठ रही हूँ मैं? पहले बैठो। हाँ ठीक है, बैठ जाती हूँ, अभी से बता रही हूँ, खाना खाकर चली जाऊंगी यहाँ से। उसने मुझसे जाने का कह दिया, यकीन कर सकती हो? उस असिस्टेंट की खातिर, जैसे कि सारी गलती मेरी हो। तुम्हारी गलती यह है कि खुद पर काबू नहीं रख पाई तुम। उस लड़की की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया, उसे ऑफिस में रखा ही क्यों है समझ नहीं आ रहा। फिक्र मत करो तुम, उसके साथ क्या करना है मैंने सोचा हुआ है। एंजॉय करो। हमने तो पूरी टेबल खाली कर दी। मैंने ज्यादा नहीं खाया। तुम्हें मीट कटलेट चाहिए? ओह, ये भी खत्म, क्या बात है। हाँ सब मैंने खाया, तो इसमें क्या हर्ज है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। मुझे नहीं जाना, मौसम कितना हसीन हो रहा है। मैं यहाँ चहलकदमी करूंगा और साथ में अपने डिजाइन भी बना लूंगा, थोड़ा वक्त गुजारूंगा यहाँ। मगर खाने से पहले तो तुमने कहा था कि चले जाएंगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, तो मैं टैक्सी को बुलाती हूँ, और क्या कहूँ मैं। गुड लक। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अगर इतनी दूर यहाँ कोई टैक्सी आ जाए तो चली जाना, वैसे ये दिलचस्प होगा। कह तो तुम ठीक रहे हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वॉक पर चल सकती हो। नहीं, कोई रास्ता निकाल लूंगी मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो जरा, वॉक पे चला गया, इसरार कर सकता था ना वो। उफ, अब क्या करूं मैं, यहाँ अकेली बैठकर क्या करूंगी मैं। निजात रुको, आ रही हूँ मैं। वैसे ये जगह बहुत खूबसूरत है। हाँ वाकई खूबसूरत है। बैरिन साहब एक अरसे से जर्मनी में मुकीम थी, फिर भी उन्हें हमसे बेहतर इन जगहों का पता है। सही कहा, दिलचस्प खातून है। उनके साथ रहकर ना बहुत अच्छा महसूस होता है, अपनाइयत महसूस होती है, पसंद है मुझे। वो तुम्हारे जैसी दिखती हैं शायद, जब भी तुम उन्हें इतना पसंद करती हो। क्या मतलब मुझ जैसी लगती हैं? तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो तुम पर भी लागू होता है। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात के लिए? तुमने तारीफ की इसलिए शुक्रिया कहा।
ये सिर्फ तारीफ नहीं हकीकत है। तुम्हारे उन डिजाइंस का क्या हुआ जिसकी हैरी बात कर रहा था? दो रात पहले की बात है, मैंने सारी रात काम किया और ढेर सारे डिजाइंस भी बनाए, मगर कल रात पता नहीं क्या हुआ, मुझे बड़ी मुश्किल से बस एक ही डिजाइन बना सका। खुदा करे कि ये आरजी हो, पता नहीं क्या होगा वरना। मुझे लगता है कि अगर तुम बनाने पे आओगे तो फौरन बना लोगे। क्या ये कॉम्प्लीमेंट था? नहीं, यही सच है। निजात, उस रात जो तुम घर पर आए थे क्या कह रहे थे? हाँ, मुझे माफ करना, उस रात मैं पूरे होश में नहीं था और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो। कैसी गलत फहमी? वो देखो, वो रहा किनारा, आओ मेरे साथ। मॉर्निंग हांदी साहिबा। गुड मॉर्निंग। निजात है क्या ऑफिस में? निजात साहब आज नहीं आएंगे हांदी साहिबा। अच्छा ठीक है, स्केचेस खत्म करने थे उसको। हांदी साहिबा। जानान, निजात को कॉल मिलाकर दे सकती हो मुझे? ठीक है। बल्कि रहने ही दो तुम, वो मसरूफ होगा, उसे तंग नहीं करते। जी ठीक है। गुड मॉर्निंग हांदी साहिबा। खुशामदीद, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। जी जी, हुक्म कीजिए। मैंने अपने ड्राइवर को किसी जरूरी काम से भेजा है और मुझे भी किसी काम से जाना है, कि आपका ड्राइवर मिल सकता है मुझे आज? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ उसे। जानान, रिफत को भेजना मेरे पास। अभी बुलाती हूँ। रिफत। जी हांदी साहिबा। गुड मॉर्निंग रिफत। गुड मॉर्निंग बैरन साहिबा। रिफत, बैरन साहिबा के पास आज ड्राइवर नहीं, तो तुम उनकी मदद करोगे? ठीक है, मगर कब तक के लिए? चाहे जितना वक्त लगे। क्या तुम्हारे कोई और प्लान्स हैं इसके बाद? कोई नहीं है। फिक्र नहीं करो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, चलना चाहिए। ठीक है, चल। हांदी साहिबा, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन ये सच है, आज मिली साहिबा आई थी और उन्होंने बुर्जू को। सब जानती हूँ मैं। ये बताओ, सरकान है ऑफिस में? जी हांदी साहिबा। बुर्जू अपना फोन उठाओ। लगता है बुरा दिन गुजर रहा है तुम्हारा। जो कुछ हुआ मुझे पता चला, सुनकर अफसोस हुआ। हाँ, सबने ही सुना होगा। चलो जो कुछ हुआ, सही वक्त पर तू आना। क्या मतलब, कैसा वक्त? कुछ माली मसाइल हमारे सामने आए हैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मसला क्या है? मसला ये कि कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हैं हमारे पास, जैसे कि मुझे किसी पर्सनल ड्राइवर की जरूरत नहीं, तो फिर रिफत को जॉब से निकाला जा सकता है। जैसे कि जानान भी जनरल असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकती है, तो बुर्जू की भी हमें जरूरत नहीं। यहीं रुक जाओ हांदे, बुर्जू और मेरे दरमियान कुछ नहीं ऐसा, ये सब मिली के दिमाग का फितूर है जिसकी वजह से उसने ये सब किया, बस। समझ गई, लेकिन बुर्जू को निकालने का ताल्लुक इस बात से हरगिज नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि हम ऐसे माली बुरान से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से हमें अपने मुलाजमीन को निकालना पड़े। और हाँ, निजात तुम्हें, रिफत या बुर्जू को निकालने भी नहीं देगा। ओ, वाकई में? वजह यानी रिफत और बुर्जू की अहमियत क्या है निजात के नजदीक? मैं तुमसे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, बुर्जू एक अच्छी असिस्टेंट है और वो कहीं नहीं जाने वाली। और अब मुझे इजाजत दो क्योंकि मुझे एक मुसीबत के साथ लंच करने जाना है। तो तुम भी जानते हो सरकार, सबके सब शामिल है इस खेल में। देखती हूँ कि तुम अब क्या कर रही हो। अगर हमने अच्छा किया ना। हाँ सोना, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी। जानती हूँ मेरा क्या दिल कर रहा है? क्या? कि मैं तुम्हें छू लूं। क्या मुझे? मैं इस एहसास से गुजरना चाहता हूँ। तो इंतजार किस बात का है? क्या हुआ तुम्हें? क्या क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। तुम मुस्कुरा रही थी। नहीं तो? सोना, मैंने तुम्हें देखा, सच बताओ तुम हंस क्यों रही थी? बुर्जू की एक बात याद आ गई थी इसलिए हंस रही थी मैं। तुम झूठ बोल रही हो। क्यों झूठ बोलूंगी? हाँ ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है निजात। बताओ फिर। ऐसा मत करो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम्हें। बताओ। सब कुछ बता तो दिया है। क्या सोच रही थी तुम? तुम्हें क्या? तुम मेरे बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी, है ना? जाहिर सी बात है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी मैं। किस बारे में? शॉप के बारे में।
शॉप के बारे में सोच रही थी कि उसे खरीद भी लिया और वहां का काम भी करवा रहे हो तुम। यानी तुमने अपना इरादा बदल लिया जब ही खुश हो। नहीं, इरादा नहीं बदला। तो फिर मुस्कुरा क्यों रही थी? निजात, क्या इस बारे में बाद में बात करें प्लीज। अच्छा ठीक है आ जाओ। अब अभी गिर जाती मैं। और चले। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, मैं समझ गई। तुम भी अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। माफ करना हैरी, काम में इतना मसरूफ थी कि तुम्हारे पास आ नहीं पाई। मुझे लगता है कि तुम्हें फोन पर बात करना ज्यादा अच्छा लगता है सानिया। बहुत लंबी गुफ्तगू हो रही थी, कौन था? हाँ दोस्त था। दोस्त था तुम्हारा? मेरा मतलब है कि दोस्त से तो 2-3 मिनट ही बात होती है। समझ गया, कौन है ये दोस्त तुम्हारा? हाँ एक दोस्त था, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। खैर ये बताओ तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आजकल तुम में काफी तब्दीलियां देख रहा हूँ सानिया। है ना? हाँ ऐसी कोई खबर नहीं है कि ये दोस्तों से शेयर की जाए। तुम क्या सोचते हो, क्या समझ रहे हो, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है कोई। तुम मेरे आम से ही दोस्त हो, सही कहा ना? दोस्तों, लगता मुझे चलना चाहिए। तुम परेशान हो रही हो मेरे यहाँ बैठने से। नहीं, क्योंकि कस्टमर तो मेरे लिए हमेशा से अव्वल तरजीह है ना, इसलिए। लो आ गया तुम्हारा दोस्त, क्या मेरा तारुफ नहीं कराओगी इससे? खुश आमदेद, मैं हैरी हूँ। तुम नहीं जानते मैं सानिया का दोस्त हूँ। हेलो, मैं तहा हूँ। ये हैरी है, ये निजात साहब के घर काम करते हैं बाबा। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। और मैं शौकत। काफी अरसे से आने का सोच रहा था। सानिया ने बताया कि आपका कैफे काफी मशहूर है। हाँ सानिया से सुना है। जी। जब ये निजात साहब के घर आई थी तभी उन्होंने इस कैफे के बारे में बताया था। हाँ। वैसे खुशामदी, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आओ बैठते हैं, यहाँ बातें करते हैं। आओ जी, बिल्कुल बैठते हैं।